हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी जूम ऐप पे किसी को भी इनवाइट करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि जूम मीटिंग में हम किसी को इनवाइट कैसे कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पर अब हम अपने फोन पे हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जूम ऐप पे हम इनवाइट कैसे कर सकते हैं किसी को भी। जूम ऐप पे अगर आपने कोई मीटिंग बना लिया, फिर आपको इनवाइट कैसे करना है सबको, वो हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो जूम ऐप पे आ जाइए। चलिए यहाँ पे हम फटाफट से आपको पहले मीटिंग बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू मीटिंग पे क्लिक करता हूँ, देन स्टार्ट अ मीटिंग। सो अब यहाँ पे हमारा जो मीटिंग है वो सक्सेसफुली बन चुका है। अब यहाँ पे इनवाइट कैसे कर सकते हैं आप किसी को भी, तो इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल सा मेथड है। इसके लिए आपको ऊपर ये जो ऑप्शन दिख रहा है जूम का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद नीचे से ये इस तरह से खुल के आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवाइट लिंक दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखोगे तो उसके बाद ये कॉपी हो जाएगा। देख सकते हैं लिंक हैज बीन कॉपीड टू द क्लिपबोर्ड। यहाँ पे हमारा जो लिंक है इनवाइट लिंक वो कॉपी हो गया है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से अब हमें बाहर आ जाना है, बाहर आना है। और आप जहाँ भी इसे लिंक को शेयर करना चाहते हैं, जिसे भी शेयर करना चाहते हैं उसे शेयर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे व्हाट्सएप पे शेयर करके दिखाता हूँ। आप किसी भी ग्रुप में या फिर जहाँ भी शेयर करना चाहते हैं वहाँ आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चैट ओपन कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखेंगे और पेस्ट पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ से हम सेंड कर देते हैं। अब ये जो लिंक है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सेंड हो गया है और यहाँ पे हमने जूम ऐप पे मीटिंग का जो लिंक है वो हमने सक्सेसफुली शेयर कर दिया है। तो इसी तरीके से आप भी जूम ऐप पे अपने मीटिंग को किसी को भी शेयर कर सकते हैं।